दीदी आपको मेरी तरफ से थैंक यू, ठीक है चलो मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से थैंक यू। और थैंक यू डे चल रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह दीदी जी का काम मम्मी जी ने कंप्लीट कर लिया है ना मम्मी, थैंक यू। एंड दीदी फिलहाल दूध गर्म कर रही है जो कि मेरा काम दीदी कर दे रही है। दीदी आपको मेरी तरफ से थैंक यू, ठीक है चलो मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से थैंक यू। और थैंक यू डे चल रहा है, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, आप मम्मी जी के थैंक यू बोल रहे हो कि सबके एक दूसरे का काम दूसरे कर ले रहे यार। अब मम्मी जी का दीदी का मम्मी जी ने कर लिया, मेरा दीदी ने कर लिया, चलो कोई नहीं, लोग यही पे सोते हैं। एंड मैं अकेले अकेले भाई लाइट ऑन रखूंगा तो सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ बाहर जाके फटाफट से एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ ताकि भाई मच्छर कम से कम काटें, लेकिन फिर भी बहुत सारे मच्छर काट लेते हैं यार। कितना खून ऑलरेडी चूस चुके उन्होंने मेरा, और पता नहीं कितना चूसेंगे मेरा खून। चलो कोई नहीं अभी चलते हैं एंड फटाफट से फ्रेशअप हो जाते हैं जो फिर पापा जी आ जाएंगे। एक्चुअली तो हम अभी नहीं, बहुत टाइम है अभी तो जाने के लिए, जो 12 बजे या 11 बजे ये टाइम को जाएंगे क्या मम्मी जी? हाँ देता हूँ 2 मिनट, अभी चलते हैं एंड फटाफट से नहा लेते हैं क्यों फिर जाना है फंक्शन में अटेंड करने। हमें लगानी पड़ेगी मोटर जो कि भाई है इधर अंदर खोपचे में छुपाए, निकल बाहर। ओ भाई बहुत ही भारी है यार, निकल। चलो निकल गया, सेट कर दिया एंड भाई पानी चले जाएगा। अच्छा टंकी फुल होने वाला है जो कि यहाँ से पानी आ रहा है, चलो कोई नहीं अभी चले जाएगा पानी सीधा ऊपर वाले टंकी में। अगर हम थोड़े से भीगे, चलो इतना तो मोटर लगा दिया भीगते ही यार। एंड अभी चलते हैं फटाफट से फ्रेशअप हो जाते हैं। यार फ्रेशअप वगैरह के रेडी तो हो गए? भैया बाहर जा मेरे को काम है। 2 मिनट रुको यार, चलो ठीक है जा रहा हूँ जा रहा हूँ। भाई दीदी डांट देगी। अच्छा दीदी भाई यहाँ पे पोता फेरना है, चलो बाहर आ गए। अभी फिलहाल रेडी वगैरह हो गए लेकिन फंक्शन हॉल के लिए नहीं भाई, जस्ट अभी नॉर्मल से पैंट डाल लिया क्योंकि मम्मी जी फिर डांट देंगे कपड़े खराब हो जाएंगे यार, तो बहुत टाइम है ना अभी तक जाने के लिए। जस्ट अभी तो भाई जस्ट 8:30 हुआ है, मेरे ख्याल से 11 o'clock या 12 o'clock तक जाएंगे। आ लिया पापा पानी? आओ। कल वर्कर्स नहीं आए थे ना? नहीं आए। आ जाएंगे? नहीं मालूम। अभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड है। चलो कोई नहीं, मम्मी जी बस कपड़े धोते हुए मैं बोल रहा हूँ फिलहाल घर से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि दीदी ने निकाल दिया मैं घर से बाहर। चलो कोई नहीं मस्त अपने नए वाले घर पे चलते हैं एंड वहाँ पे थोड़ी देर टाइम निकाल जाते हैं। पापा ने जब सभी अभी पानी मार गया है तो भाई सभी जगह पानी पानी हो चुका है, सीढ़ियों से पानी बह रहा है यार, यहाँ से भी पानी बह रहा है एंड वहाँ से भी पानी बह रहा है। चलो कोई नहीं देख के आते हैं एक बार, वैसे देखने के लिए कुछ है नहीं यार ऊपर क्योंकि लास्ट टाइम जब ऊपर गए थे बस वही लास्ट डे था, उसके बाद में तो वर्कर आए नहीं अभी तक, तो मेरे ख्याल से कुछ नया काम हुआ ही नहीं है तो ताकि कुछ फ़ायदा ही नहीं है। एंड पापा जी भी फिलहाल नहाने चले गए तो हम भी घर पर चलते हैं यार, यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है। एंड हमारा डॉगी भी पता नहीं कहाँ पर चले गया है, कल तो पूरा दिन दिखाया नहीं, हम भी बाहर थे एंड डॉगी भी बाहर था एंड सुबह से डॉगी आया ही नहीं है अंदर। चलो कोई नहीं फाइनली अभी हमें एंट्री मिली गई एंड अभी थोड़ा पानी में थे यार, दीदी ने कहा था मस्त पार्टी लगा था नहीं 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 नहीं। चलो पानी पी लेते यार, गर्मियों में तो ठंडा पानी पीने का मज़ा ही चला गया, ठीक है तो बहुत ही ठंडा लग रहा है, थोड़ा अंदर गर्म मिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नॉर्मल पानी डाल दिया है, ठंडा पानी पीने का मजा ही अलग है यार। तो एक्चुअली मटका के तो 2-3 दिन पानी अंदर पानी भर के रखेंगे ताकि मटका पानी जल्दी से जल्दी ठंडा कर सके, उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जो मैं राबड़ी सब्जी एंड रोटी बनी है, बाबा जी तो ब्रेकफास्ट करके दुकान पर भी चले गए एंड आज हमारा जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है क्योंकि सिर्फ मेरा कैंसिल हो सकता है, बोल नहीं सकते कन्फर्म कुछ है नहीं है क्योंकि बड़ी मम्मी जी भी आ रही है कहते हैं और उनके साथ बाबू जी भी आ रही है, तो कहीं हो सकता है कैंसिल, कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी देखा जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगी दुकान पर ले जाएंगे, उसमें क्या है। तो पहले तो बस नाश्ता करते हैं एंड फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है यार। कल अभी दोपहर के 12 बजने आ चुके हैं यानी 11:42 बज चुके हैं एंड हम रेडी हो चुके हैं दुकान चलने के लिए, ये फंक्शन हॉल में तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि बड़ी मम्मी जी एंड भाभी जी भी आ रही है हमारे साथ, तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं इस बार नहीं तो कभी और चले जाएंगे। तो फिलहाल दीदी यहाँ पे मम्मी जी एंड पापा जी तो रेडी हो चुके हैं तो ही जाएंगे, हम जाएंगे कार में लेकिन फंक्शन हॉल तक नहीं जस्ट दुकान तक जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, चले बाय। हाँ
चलो बैठ जाओ, कोई नहीं, चलो बाय। एंड फिलहाल अभी दुकान पे पहुंच चुके हैं, भाई भी क्या ही करेंगे, आज का दिन पूरा एकदम बोरिंग गुजरने वाला है, क्योंकि यार बस इस कड़ी धूप में क्या ही करेंगे। और ऑलरेडी पापा जी ने कहा है कि कस्टमर का जीते है ही नहीं, बल्कि सुबह से बिल्कुल ही नहीं है। मैंने पूछा था पापा जी को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है ही नहीं करे कस्टमर, क्या ही करेंगे यार। मैंने एक्चुअली पूछा था पापा जी को कि घर पे रह जाऊँ क्या, बोल के, तो पापा जी ने कहा घर पे रहने से अच्छा दुकान पे रह जाऊँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, ढाई दो से ढाई घंटे की तो बात है, बहुत ही मुश्किल पल गुजरने वाले हैं यार ये ढाई घंटे। आप लोग कुछ कमेंट करो कि भाई क्या कर सकते हैं इस टाइम में, जो कि बहुत ही कड़ी धूप है, एंड बाहर तो कहीं जा नहीं सकते यार इस हालत में, तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तो खाली बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड यार पता नहीं कब तक आएंगे मम्मी पापा जी, तो अभी तो जस्ट 1 बजे है दोपहर के, तो मेरे ख्याल से 2 o'clock या 2:30 को आएंगे मम्मी पापा जी, फिर हम घर पर जा सकते हैं। एंड मैंने लंच वगैरह कुछ किया नहीं है, बस मैं नाश्ता किया तो बस वही है, एंड भैया ने अभी खाना भी खा लिया है। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, तब तक तो मम्मी पापा जी एंड दीदी का तो कुछ अता पता ला पता है, अब तक तो कोई आए नहीं है, पता नहीं कब आएंगे भाई। बहुत खतरनाक वाली भूख भी लग चुकी है, एक्चुअली कुछ खाया नहीं ना, सुबह बहुत थोड़ा बहुत नाश्ता किया, 2 रोटी खाया, मैं फिर दुकान पे आ गया। पता नहीं यार कब तक आएंगे मम्मी पापा जी, क्योंकि मैंने एक बार 2 बजे दीदी को कॉल किया था, तब भी वो लोग वहीं पे थे और फंक्शन हॉल में खाना खा रहे थे शायद। चलो कोई नहीं, इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी है नहीं यार, क्या ही करे दुकान में, कब से भाई यहीं पर बैठा हूँ एंड कुछ कस्टमर से नहीं आ रहे, तो भाई बहुत ही एकदम ऐसा क्या बोलूँ, बुरी फीलिंग आ रही है यार, कुछ करने का मन कर रहा है लेकिन क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंतजार कर रहे हैं, अभी हमारा पेशेंट लेवल एकदम खत्म हो चुका है, एक्सीड हो चुका है, तो यार धूप में निकलना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कुछ लेके आते हैं खाने के लिए, ले लिया जो कि भाई मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, फिश तो नॉर्मल मैंने बहुत बार ट्राई किया ही है, लेकिन इसको पहली बार ट्राई कर रहा हूँ भाई, देखा ही नहीं। चलो कोई नहीं, दुकान जाके ही पीते हैं भाई, यहाँ पे तो बहुत बड़ी धूप है। जूस इंजॉय करता है, मैंने सोचा भाई कुछ खाने, सोचा कुछ पी लेते हैं, गर्मियों में काम आएंगी, तो मैं ठंडा ही ला लिया, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है इसको पीने के बाद। तो अभी थोड़ी बहुत भूख मिटी है यार, नहीं तो कब से बहुत खतरनाक वाली भूख लग गई थी मुझे। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है यार, नेक्स्ट टाइम कभी और ट्राई करेंगे। जो फिश है ना, फिश से भी और अच्छा लग रहा है, जस्ट लाइक एकदम एप्पल जूस की तरह लग रहा है। फिश तो थोड़ा बहुत वियर टेस्ट आता था, एंड ये तो एकदम एप्पल ही आ रहा है, जस्ट पूरा जैसे एप्पल खा रहे जैसा टेस्ट आ रहा है बिल्कुल ही। दीदी को भी बताएंगे इसके बारे में, क्यों दीदी को भी पसंद आएगा ये, क्योंकि दीदी को आना ज़्यादातर एप्पल जूस बहुत पसंद है, तो घर पे भी दीदी एप्पल जूस बना के पीती है यार कभी कभार, तो ये बताएंगे दीदी को, ज़रूर पिएगी दीदी, क्योंकि फैंटा है, फैंटा एक्चुअली ऑरेंज को बोलते हैं ना, जो फैंटा आता है ऑरेंज ड्रिंक, लेकिन यार ये तो एप्पल ड्रिंक है, फिर भी इसका नाम भी फैंटा ही रख दिया। चलो कोई नहीं, नाम कौन सा भी रहने दो भाई, अंदर की जो चीज़ है उससे पता चलती है इसकी टेस्ट। चलो पहले तो पीते हैं, कंप्लीट करते हैं अपनी ड्रिंक, एंड फिर इंतज़ार करते हैं पापा जी एंड मम्मी जी का। तो ड्रिंक को ख़त्म कर लिया, एंड ड्रिंक को कंप्लीट करते हैं भाई, देखो पसीना आने लग गया यार, ठंडी चीज़ पीते पूरा पसीना पसीना हो जाता है यार सर। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं वापस दुकान में, वहीं पे बैठते हैं, वरना पीते पीछे तो पता ही नहीं चलेगा मम्मी पापा जी कब आया और कब घर पे चले गए, सामने वेट करना पड़ेगा, मैं यानी दुकान में वेट करना पड़ेगा। एंड जस्ट अभी मम्मी पापा जी का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा चलो भैया आ भी गए यार, आ चुके हैं एक्चुअली भैया के लिए गए थे। जैसे ही मम्मी पापा जी का कॉल आया, तो मम्मी पापा जी ने कहा कि मैं घर पे आ जाऊँ, तो भैया पहले जाके कॉफ़ी पी के आ गए, कि भैया को मालूम हो गया एक बार घर पे चले गए तो वापस 6 बजे से पहले आऊँगा नहीं, तो भैया पहले जाके कॉफ़ी पी के आए। एंड मैंने भी भैया को मना नहीं कहा, क्योंकि कभी कभार हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं या फिर फंक्शन अटेंड करने के लिए जाते हैं, तभी तो भैया आके दुकान संभाल लेते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मुझे भूख तो बहुत लगी थी, फिर भी पहले भैया को भेज दिया कॉफ़ी पीने, एंड अभी हम भी चलते हैं घर पे। मैं सो चुके, पापा जी तो दुकान पे नहीं आए, मेरे ख्याल से पापा जी बिल्डिंग के ऊपर होंगे। चलो कोई नहीं, हम तो बनाते अपनी मस्त सिखाएंगे भाई मैगी कैसे बनाते हैं। तो पहले से ऐसे एक तबेला ले लो, जिसको हम करेला कहते हैं, करेला नहीं कड़ेला, कढ़ाईला कहते हैं, सो भाई पैन, जो कि इंग्लिश में पैन भी कहते हैं इसको, एंड ये ले लो, एंड इसके अंदर आपको अगर 4 मैगी बनानी है तो 4 गिलास पानी ले लो, एंड 2 मैगी बनानी है तो 2 गिलास पानी ले लो। सो मेरे को तो 2 मैगी बनानी है, सो मैंने 2 गिलास पानी ले लिया, तो पानी गर्म होने पहुँच चुका है, तो पहले गर्म होने देते हैं, एंड फिर जाएगा इसके अंदर मैगी मसाला, जो कि भाई 2 ही बचे हैं, एक्चुअली पड़े ही 2 है, तो हमें 2 ही बनाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, पहले इसको ओपन करते हैं। सो मैगी मसाले को तो मैंने अंडर डाल दिया, एंड अभी बारी आती है भाई अपनी मैगी की, एक्चुअली बच्चे से 2 पीस थे तो 2 पीस ही बनाना पड़ रहे हैं। चलो कोई नहीं, पहले ये वाला अंदर गया, एंड ये वाला भी फटाफट, लेकिन भाई यहाँ पे इतनी सारी जो हल्ला मल्ला मच्छी है, दीदी देखी थी वो पक्का डांटने वाली है। चलो कोई नहीं, फटाफट से बनाते हैं एंड साइड हो जाते हैं यार, वरना अगर दीदी ने एक बार देख लिया ना, इतना सारे बिखेड़ा खड़ा कर दिया,
बाद ही डांट देगी दीदी। चलो कोई नहीं, अभी अपनी मैगी बनने ही वाली है, बस 2 मिनट टाइम लगेगा एंड मस्त मैगी बन जाएगी। एंड फाइनली हमारी मैगी रेडी हो चुकी है, तो पहले तो मस्त खाते हैं भाई, बहुत ही भूख लगी है। रोटी भी खा लेता लेकिन भाई रोटी है नहीं ना घर में, इसलिए मैंने सोचा मस्त मैगी बना के खाते। एंड भाई मैंने सोचा अपने अकेले के लिए तो बनानी थी, तो इसके अंदर बना के मैं तो इसी के अंदर खा लेते हैं, ब्रेस्ट ब्रेस्ट टाइप करना। मैंने जो भी सोचा है भाई सुबह दिखाई देता हूँ, तो जैसा हो भाई वैसे दिखा देता हूँ मैं अपने ब्लॉग में। पहले तो अपनी मैगी कंप्लीट करते हैं एंड फिर हमें जाना है ड्राइविंग क्लास, जो कि ट्रेनर का कॉल आ ही जाएगा क्योंकि 4 तो बज चुके हैं भाई, 4:15 हो चुके हैं, कभी भी कॉल आ सकता है ट्रेनर का। तो फटाफट से अपने मैगी कंप्लीट करते हैं एंड दीदी को भी उठाते हैं। यार पता नहीं दीदी कब से सो रही है, मेरे ख्याल से आधा घंटा तो हो ही होगा दीदी को सो के, तो 1 घंटे में उठा देंगे एंड फिर चलते हैं ड्राइविंग क्लास। निशा 4:25 बज गया, हाल यार चलो यार। दीदी को उठा के हम तो बाहर आ गए, तो दीदी को मैंने कहा कि 4:30 तक बाहर आप नहीं आए तो मैं बोल दूंगा ट्रेनर सर को कि दीदी नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं, अभी तो जस्ट 4:28 हुए, 2 मिनट और बाकी है, तो देखते हैं यार कब तक आती है दीदी। चलो आ भी गए दीदी जो भी वहाँ पर खड़ी है। चलो चलो अभी उनका कॉल आया तो उनका 2 मिनट में आ रहे हैं, अभी वेटिंग करते हैं बाहर। सर आ गए, अभी फटाफट से क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो शाम के अभी 6 बज चुके हैं एंड ड्राइविंग क्लास और जो भी थी फटाफट से कंप्लीट की एंड अभी घर पे आ गए। कपड़े को प्रेस कर रही है भाई, प्रेसिंग का काम चालू है यहाँ पे फिलहाल। ये पैंट मेरी है ना? हाँ भाई फिर मेरी है। क्या देख रहे हो आप? ड्रामा? वो ड्रामा ही है ना, कोरियन ड्रामा। दीदी को मस्त कोरियन लैंग्वेज आ गई होगी अभी तक तो, कितने दिनों से दीदी कोरियन ड्रामा देख रही है, अब तक तो पक्का आ ही गई होगा, आ गई कोरियन लैंग्वेज। हाँ आज तो मुझे एक जगह पे बहुत ही मज़ा आया, क्या मालूम है, कार में गलती से आपने एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबा दिया वो भी सिग्नल के ऊपर। मुझे भाई बोल तो अच्छा नहीं, मुझे क्या लगा मालूम उस मोमेंट पे कि अचानक से पीछे से आगे कोई ठोक दिया। थोड़ी बहुत मुझसे नाराज़ हो गई भाई, चप्पल दिख रही है पीछे। चलो दीदी से ना थोड़ी बहुत नाराज़ हो गई, लेकिन कोई नहीं दीदी को तो मना लेंगे एंड अभी के लिए ब्लॉग को भी एंड करते हैं। बस अभी जिम वगैरह जाऊँगा, वापस जाऊँगा, फिर डिनर करके मस्त हो जाएंगे, आज का प्लान बस इतना ही है। एंड आज ब्लॉग बस ऐसे ही जल्दी एंड कर दे रहा हूँ क्योंकि यार आज बस ज़्यादा कुछ बनाने का ही नहीं, आज मैं सोच रहा हूँ रात को थोड़ा जल्दी रेस्ट करने का प्लान है, इसलिए बस एंड कर दे रहे हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया एंड आपने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर दोस्तों से आपकी नाना गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय। एंड जाने से पहले भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय। शाम के 4 बजे।